स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के अंतर्गत ग्राम पंचायतों को खुले में शौच मुक्त एवं स्वच्छ संरक्षण ग्रामीण हेतु एक कार्यशाला का आयोजन पंडित दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के दीक्षा भवन में किया गया, जिसमें 225 नोडल अधिकारियों को उनके दायित्व एवं कार्यों के विषय में जानकारी दी गई। कार्यशाला में जिला पंचायत राज अधिकारी हिमांशु शेखर ठाकुर ने स्वच्छ संरक्षण ग्रामीण 2018 के संबंध में विस्तार से बताते हुए नोडल अधिकारियों को उनके दायित्वों के प्रति सचेत किया। इस मौके पर मुख्य विकास अधिकारी अनुज सिंह ने कहा कि सभी नोडल अधिकारी अपने क्षेत्रों में ODF एवं सफाई के कार्यों को कराते हुए जनपद को स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण में उच्च रैंक दिलाने एवं 15 सितंबर तक जिले को ODF कराने में अपना महत्वपूर्ण भूमिका अदा करें। कार्यशाला में जिलाधिकारी ने 225 नोडल अधिकारियों को उनके ब्लॉकों एवं न्याय पंचायत वार रोस्टर के अनुपालन, निर्मित शौचालय को सत्यापन एवं सार्वजनिक स्थानों, स्कूल, आंगनबाड़ी, हॉट बाजार, स्वास्थ्य केंद्र, धार्मिक स्थानों की सुविधा संबंधित रिपोर्ट प्रति सप्ताह जिला पंचायत राज अधिकारी कार्यालय में नियमित रूप से जमा किए जाने के लिए निर्देशित किया। उन्होंने बताया कि इस कार्य में अच्छा प्रदर्शन करने पर अधिकारियों को पुरस्कार एवं लापरवाही करने पर दंडित भी किया जाएगा। केंद्र हो गए, स्वास्थ्य केंद्र हो गए, अगर शौचालय की सुविधा है तो 5 में से 5 रंग दे रहे हैं। फिर उसके साथ ही 5 नंबर जो है वो उसके शौचालयों के उस इस्तेमाल पर कि शौचालय तरह से हो रहा है कि नहीं। अगर 5 स्थान पर कम कूड़ा करकट देखा गया तो 10 में से 10 अंक दे देते। उसमें टीमें जाएंगी रैंडम तौर पे और उसमें जो अभी आपको मार्किंग सिस्टम बताया गया उसके हिसाब से वो मार्किंग की जाएगी। लेकिन कमिश्नर साहब का और जिलाधिकारी महोदय का यह निर्देश था कि क्योंकि हमें तैयार सभी गाँव को रखना है, वो किसी भी गाँव में जा सकते हैं, तो पहले से एक निष्पक्ष टीम भेज के सभी गाँव का एक सर्वे कर लिया जाए। और निष्पक्ष टीम के लिए आवश्यकता यह थी कि हम लोग पंचायती राज और ग्राम विकास जो सीधे ODF के कामों से जुड़ा होता है उसके इतर टीम बना के हम गांव में भेजें, जिससे कि हमें क्या स्थिति है गांव की उसके बारे में जानकारी हो। तो उसी के उन्हीं के आज्ञा के अनुपालन में ये टीम बनाई गई है। इसमें टीम इस प्रकार बनाई गई है कि सबसे पहले जो सीनियर हमारे अभियंता हैं या सीनियर जिला स्तरीय अधिकारी हैं उनको एक एक ब्लॉक का नोडल बनाया गया है। अधिकारी हैं जो एक एक नया पंचायत देख रहे हैं उनको किसी को 5 किसी को 6 ग्राम पंचायतें देख रही हैं। इसमें एक बहुत ही सिंपल सा एक प्रारूप दिया गया है। इस प्रारूप में मेनली सबसे पहले जब भी आप किसी गाँव में जाएंगे तो सबसे पहले आपको उस गाँव के प्रधान और उस गाँव के जो संभ्रांत व्यक्ति है, संभ्रांत व्यक्ति मतलब आंगनवाड़ी कार्यकर्ती हो गई, आशा हो गई, ANM हो गई, इन सभी को आपको वहाँ पे इकट्ठा करना है। अपने जाने की सूचना आप लोगों को हम प्रधानों का नंबर भी दे देंगे, आप लोग प्रधानों को अपने जाने की सूचना दे दीजिएगा और अपने जिला स्तरीय अधिकारी को दे दीजिएगा। और उसके बाद आप वहाँ जब पहुँचेगा तो सबसे पहले इन लोगों से आप उनका क्या मत है गांव के बारे में वो पहले उनसे कुछ बातें कर लीजिएगा। उसके बाद 5 जो महत्वपूर्ण जो स्थल है, जो पब्लिक प्लेस है, उन स्थानों पे आप जाइएगा। तो ये 5 महत्वपूर्ण स्थल है वो अभी आपको बताया गया। इसमें जो परिषदीय विद्यालय है वहाँ पे वो होगा, आंगनबाड़ी केंद्र होगा, 80% ऑफ द केसेस में आपको आंगनबाड़ी केंद्र उसी परिषदीय विद्यालय के ही परिसर में मिल जाएगा। लेकिन अगर अलग है तो फिर आप अलग से देख लीजिएगा। तीसरा बिंदु प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हमने लिखा है, लेकिन अगर कहीं पे आपको CHC मिला तो फिर CHC को शामिल कर लीजिएगा। और अगर CHC और PHC में से कुछ नहीं मिला तो फिर वहाँ पे ANM सेंटर पूछ लीजिएगा। ANM सेंटर काफ़ी निगलेक्टेड एक बिल्डिंग होती है, तो आप लोगों के जाने से उस बिल्डिंग का उद्धार हो जाएगा, वहाँ पे कुछ आपको खुला मिल जाएगा, उसकी साफ सफाई हो जाएगी। तो ये आप लोग सुनिश्चित कीजिएगा कि अगर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भले ही लिखा है लेकिन अगर वहाँ पे PHC अगर नहीं है तो फिर आप वहाँ पे ANM सेंटर का निरीक्षण करके आइएगा। चौथा फिर हाट बाजार हो गया। अधिकतर जो गांव स्पेशली जो शहर से लगे हुए या शहर से दूर वाले भी जो गाँव वहाँ पे हाट बाजार है जहाँ पे आपको उसकी साफ सफाई देखनी है। पिछले कुछ सप्ताह से हम काफ़ी प्रयास कर रहे हैं कि जो गाँव से सटे जो हाट बाजार है उनकी साफ सफाई बनी रहे और उसमें अच्छा काम भी हुआ है, तो आप जाके इसकी वेरिफिकेशन कर लीजिएगा। और 5वां धार्मिक स्थल हुआ, वहाँ पे अगर कोई मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, गिरजाघर जो भी है, क्या वहाँ पे शौचालय है कि नहीं है, है तो उपयोग में है कि नहीं है। और इन सभी स्थानों पे जो हैंडपम्प की व्यवस्था है कि नहीं है, नाले नाली ठीक है कि नहीं है, कहीं पानी बह तो नहीं रहा,
इस तरह से आपको एक संकलित एक रिपोर्ट आपको गांव की तैयार करानी है। आप जानते हैं इसी पूरे महीने पहले बार पूरे भारत में एक सर्वेक्षण होने वाली है, सर्वेक्षण ग्रामीण नगरीय इलाका में तो पहले चलता था, 3 साल पहले से ही तब ये अभियान हम लोग चालू किए हैं स्वच्छ भारत मिशन, तो पार्ट रहा था शहरी इलाके में स्मार्ट सिटी में जोड़ दिए, फिर शहरी इलाके में रैंकिंग होता रहा, उसी हिसाब से उसका बजट भी अलग होता है कि शहर में साफ सुथरी अच्छा है तो अच्छा माना जाता है, अगर पुरस्कार मिलता है अगर अलग बजट मिलता है उसको देखने के लिए सीखने के लिए वो लोग चले जाते हैं। पहले बार पूरे भारत में माननीय प्रधानमंत्री जी ने योजना लागू की, 1 अगस्त से लेकर 30 अगस्त तक ये टीम हर गाँव में जाएगी, यानी हर जनपद में जाएगी, इन्हें चुने रैंडम गांव में जाएंगे, कोई भी गांव में जा सकते हैं, उसके बाद वो गांव का पैरामीटर दिया हुआ है पार्किंग का, उसका अलग अलग पार्किंग है, तो इसकी जो व्यक्तिगत शौचालय का क्या है, कितने मार्क मिलेगा, जनरल नाली नाला का सफाई के कितने मार्क मिलेगा, उसको देखकर उनका पूरा मास्क बनाएंगे, वो फिर सीधे सीधे राज्य सरकार को देंगे, राज्य सरकार को केंद्र सरकार को भेजेंगे। उसी टाइप का जो प्रदेश में मान लीजिए 75 जनपद है, करीबन 1.5 लाख से 2 लाख ग्राम पंचायत होगा उत्तर प्रदेश में, हमारा गोरखपुर देखेंगे यहाँ तो 1350 ग्राम पंचायत है करीबन, और 3350 उसको भी तो सर्वे कराने के लिए ये 10 दिन में आने वाले हैं, टीम हर जगह पहुँच रही है, टीम तो सर्वे करेगी, सर्वे करा करके पूरे जनपद का जो रैंकिंग है वो तय करेंगे, यानी 75 जनपद का रैंकिंग तय होगा, उसी के साथ उसमें रैंकिंग होगा कौन सी जनपद अच्छा है कौन सी खराब है, इसको सुधरने की आवश्यकता है, उसमें खुशी होगी। माननीय मुख्यमंत्री जी हम लोग को बुला करके अलग निर्देश दिए थे, सारे टीम को कॉन्फ्रेंस हुआ था, उसमें तो इसका कहना यही है स्वच्छ भारत अभियान हम लोग को खुले में शोक मुक्त कराने के लिए 2 अक्टूबर तक के एक अभियान लिए हैं, पूरे उत्तर प्रदेश को खुले में शोक मुक्त 2 अक्टूबर 2018 तक करने के लिए संकल्प लिए हैं, दिशा में गोरखपुर भी आगे बढ़ रही है, तकरीबन 50 से 60 हज़ार शौचालय बस केवल रह गया है, व्यक्तिगत शौचालय बनाने में हम लोग अच्छा सफलता पाए हैं और उस पर आगे भी बढ़ रहे हैं, बट आदतें अभी भी बदलने में समय लगेगा, लेकिन तो बहुत बुरे आदत पहले से बना हुआ है, तो खुले में शौच जाना है, किसी का कूड़े फेंकना है और जो नाली इली जो वहाँ शोक का स्थिति है वो सारी चीज अभी भी बना हुआ है, उस पर लगे हुए हैं, उस पर एक पहल है हम लोग कर रहे हैं। अब तो आपका इतने जिला स्तर अधिकारी है, आपने एक जिम्मेदारी दिया है, बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है, तो आप लोग का जो गांव बटा हुआ है ग्राम पंचायत वाइज उसके अंदर जो पिछले मजरे बैठे हैं गांव बटा है उसके प्रोफा पर दिया, सिंपल सी प्रोफा में एक बनने का है, आपको बस इतने देखना है विकास बोर्ड में जमा कर दीजिए उसको, ताकि हम लोग ये पहले एक योजना बना रहे हैं, लेकिन टीम आने के पहले हम लोग को ये पता चल जाता है कितने गाँव में हम लोग का स्थिति अच्छा नहीं है, इतने गांव में स्थिति अच्छा उसी के साथ ठीक बना करके उसी गांव को भी साफ सुथरी करा करके थोड़ा ठीक करा दें, ताकि आने वाले टीम से हम लोग को थोड़ा अच्छा बात मिलने के बाद बजट से आपके साथ ही मिलकर तैयार करें, ताकि अकेले हम लोग नहीं कर पाएंगे, इतने तो जिला परिषद के सारे मिशनरी के लगा उस पर लगे हुए, आपसे एक नंबर तो आपके पास सबके पास होगा,